कुछ नहीं होता, आओ तो सही, एक बार लो ट्राई करो एक बार। ओ वेट गजेंद्र भाई, ये क्या है, जादू वादू सीख गए हो क्या? तो ये हूँ मैं जिसे मिले हैं रैंडम सुपर पावर्स विद रैंडम इफेक्ट इन दिस लाइफस्टाइल एसएमपी। बट कैसे, तो मुझे इतनी आसानी से कैसे मिली ये पावर्स? ओ वेट मेरे को बता, मैं आता हूँ। ओ वेट गजेंद्र भाई, ये क्या है, ये फ्रॉस्ट कैसे मरा? ओके तो मैं सर्वर ज्वाइन कर रहा हूँ। वेट, मेरे पास ये पावर्स कैसी हैं? तो ये है सोनी का एसएमपी एंड यहाँ लगा है सुपर पावर्स का प्लगइन, जिसकी वजह से हम लोगों को कुछ इफेक्ट्स और बहुत सारे लोगों को अलग अलग से सुपर पावर्स मिलती हैं। एंड उसके बाद मुझे सर्वर में कुछ लोग मिलते हैं जो अपने पावर्स के बारे में मुझे बताते हैं एंड अपने बेस पे भी बुलाते हैं कि क्रीपर्स है तो मतलब कहीं भी ब्लास्ट हो सकते हो आना। ओ और गनमैन का क्या मतलब है? गन है उसके पास। भाई तुम लोग टीम करोगे मेरे साथ? आ जाओ यार, तुम्हें मना क्या करें। ओके तो कॉर्ड्स के हिसाब से मुझे विलेज तो मिल चुका है। यो गजेंद्र भाई, ओ भाई जंप कितने सही लगा रहे हो। एट दिस पॉइंट जब मैं सफर ज्वाइन करता हूँ तो मेरे को गजेंद्र अपनी टीम में रख लेता है, वो भी कुछ डायमंड्स और कुछ फूड देके। देखो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे अरे चल भाई, खड़े रहो। अबे नहीं मजे दे, कुछ नहीं होता, आओ तो सही, एक बार लो ट्राई करो एक बार। इतना ऊपर गया। फिर कुछ देर बाद मैं डायमंड का आर्मर बना देता हूँ एंड ऑफलाइन चला जाता हूँ। एंड फिर कुछ समय बाद मेरी टीम का एक प्लेयर क्रिशु, जिसको हम लोगों के बेस में पिक्सा प्लेयर्स और विनेक्स भाई ने आके मारने लगे थे। तो गाइस आई होप वाली वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, मैंने नया डिस्कॉर्ड सर्वर भी बनाया तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। ओके मेरे पास कुछ सामान नहीं है बट मेरे को अपने टीममेट को बचाना है तो मेरे को अब किसी भी करके सर्वर ज्वाइन करना होगा। आजा भाई आजा। मारा नहीं उसको, मारा नहीं हमने उसको भी। तेरा भाई भगोड़ा टीममेट है, क्या करें हम भाई। वो भाई वो तुम्हें पता नहीं है उसकी सुपर पावर है। सुपर पावर ऐसी सुपर पावर होती है डरपोक भाई। वो भागने की सुपर पावर तुम्हें लोगों ने दी, तो उसकी क्या गलती? हमने थोड़ी ना दी है भाई, वो ऑटोमेटिक मिली उसे। कहां गया? उसकी किस्मत में ताए। तीन बंदे दो को नहीं मार पाएंगे। चल बढ़िया आजा। अरे इधर आ, निकल पीछे लगाओ, ब्लॉक लगाओ। अबे पिक्सो तो यहाँ टहल रहा है भाई। कहाँ टहल रहा है? मेरी पीवीपी चल रही पिक्सा के साथ। ओ वेट मेरे को बता, मैं आता हूँ। बेस आओ। ये वीनेक्स भी है भाई। भाई मेरे पता है, ये लोग मेरे को हिट भी नहीं कर पा रहे लिटरली। ये नूब है भाई। हाँ वीनेक्स से तो खेला नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास तो वो है, क्या कहते हैं, उसके पास स्लो पोलिंग लगी हुई है। मैं मर गया, ये बंदा गया भाई आज की डेट में। भाई मेरे पास शील्ड होती ना तो ये दोनों मर जाते। विनेक्स उसको हम लोग बहुत देर तक दौड़ाते हैं बट वो हाँ एस्केप कर जाता है। उसके बाद मुझे जायमोन का और डीसी पे कॉल आता है। एसएल देख सुन, जो तू उन क्रिश वगैरह की टीम में ना वो एसएमपी एकदम नूब बंदे है। अगर तेरे को मेरी टीम में आना है तो आ सकता है, बिकॉज मेरे पास बहुत कुछ है, एक टोटम फार्म वगैरह सब कुछ, और एक तो मेरी पावर भी ऐसी है कि यार देखो मैं आ तो जाऊं लेकिन मैं उनको बीट नहीं करना चाहता यार। यहां पर मैं सोचता हूं कि मैं जायमोन का ऑफर सेलेक्ट कर लूंगा और जो ट्रस्ट है वो क्रिशु की टीम से और जो सामान है वो जायमोन की टीम से। इससे मेरे सर्वर में ग्रोथ और तेजी से हो सकती है। जायमोन इस, अरे यार इस स्पॉट में बंदे कैसे घूम रहे हैं? यहाँ पर मैं जायमोन की टीम के साथ बंदों को मारने निकला था। हम लोग मर जाएंगे पागल। मैं मर गया। मर गया भाई, बढ़िया। चलो ऊपर आओ। बढ़िया। गेमिंग भी गया, एसएल गेमिंग भी गया। एसएल क्यों गया? अब भाई मैं ड्राउंड हो गया। उसके बाद मैं उस जगह पर वापस जाके अपना स्टफ ले आता हूँ। ओए एसएल सुन, हाँ हमें ना क्रिशु की लोकेशन पता चल गई है, जो उस पे नेदर राइट आर्मर है। मैं जा रहा हूं उसको मार, मैं जा रहा हूं मार दो उसको। भाई मत जाओ भाई। अबे तू जा रही है, आने आज ही नजर आते। जब जायमोन क्रिशु को मारने जा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना क्रिशु के साथ ट्रस्ट और अच्छा कर लिया जाए। हमारी टीम में हारेक्स भी आ चुका था जो क्रिशु का ट्रस्टेड प्लेयर था, एंड अगर मैं उसे ये सारी चीजें बता देता हूँ तो वो मेरा अच्छा टीममेट बन जाएगा। इसलिए मैं जाके क्रिशु को सब कुछ बता देता हूँ। क्रिशु को ये सब बताना मेरी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी क्योंकि मैंने क्रिशु से कहा था कि किसी को भी मत बताना ये इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें दी है, एंड वो सारी बातें जायमोन को बता देता है। अब उससे होता तो ये है कि क्रिशु से तो नहीं लेकिन जायमोन से
मेरी थोड़ी सी अनबन हो जाती है, लेकिन मैं उसे संभाल लेता हूँ। इतना सब होने के बाद फिर जायमोन मेरे को अपने रेड फार्म में बुलाता है। भाई कृषि का बेस ग्रीफ करते हैं, जल्दी आना। कल करेंगे, कल उससे बोल कि कल करेंगे, आज उसका फ्रेश चीट या फिर रात को करेंगे। अभी रेड फार्म पे रेड कर रहे हैं हम, जल्दी आ, जल्दी उतर, जल्दी ऊपर जाना है हमें। रुक जाना, मेरे से क्या बोल रहा है? तेरे को भी जाना पड़ेगा सुअर, नीचे स्पॉन होकर तेरे को बड़ा मारूंगा। रेड फार्म में कुछ भी ना मिलने पर हम दोनों यहाँ से निकल लेते हैं। फिर एसएमपी में अनाउंसमेंट होती है कि आज शाम को पीवीपी इवेंट है, एंड उस पीवीपी इवेंट के लिए एडमिन हम सबको एक एक आर्मर देने वाला था, और उस पीवीपी इवेंट में आने वाला था द डेडलीएस्ट प्लेयर लिविंग लेजेंड। मुझे आर्मर मिलने के बाद मुझे पता चलता है कि गजेंद्र भाई मर चुके हैं एंड वो स्पॉन पे हैं। गजेंद्र भाई मुझे समझते हैं कि मैं उनकी टीम में हूँ, एंड वो मुझे बुलाते हैं कि थोड़ा सा स्टफ देने के लिए। हाँ हेलो, अरे मैं ये बोल रहा हो कहाँ पर आप, मर गए थे ना? हाँ मैं आ गया, ये मैं स्पॉन पे हूँ अभी, आ जाऊँ आप स्पॉन पर? रुको मैं हाँ। स्पॉन से मैं पास ही में आया। ओ हेलो हेलो, आ जाओ सामान ले। अरे वैसे मर कैसे गया, जो तुम्हारा सामान वामान सब चला गया, मेरे को बुला रहे हो? यार मेरे को मार दिया बंदों ने। अरे यार कितने हार्ट है? 7 ही है तुम्हारे पास केवल? हाँ रुको मैं देता इधर। ये क्या कर दिया असल भाई तुमने? भाई वो कुछ नहीं, वो ये मजाक कर रहा। वापिस आ जा भाई, हम लोग टीम में भाई। ओ शिट, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मिट्टी का जो असल भाई, ओहो गजेंद्र भाई, वैसे आपने मेरे को स्टार्टिंग में स्टफ दिया था, तो मैं बैन तो नहीं कर रहा, बट हाँ आपके 4-8 पे फिर बाय बाय भाई, नहीं मैं बैन कर सकता हूँ, आप जा सकते हो। वैसे अब बारी आती है पीवीपी इवेंट की।